तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गन्ना सर्वे का विवरण हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, उसे ऑनलाइन अपने मोबाइल के थ्रू या फिर पीसी के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू कैसे चेक करेंगे देखेंगे, पूरी जानकारी आज मैं आपको यहाँ पे मोबाइल के थ्रू बताने वाला हूँ। आप इसी प्रकार से सेम प्रोसेस से आप अपने पीसी या लैपटॉप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है गन्ने सर्वे का विवरण इस बार 2021 और 22 का बताने वाला हूँ। तो आपको पूरा फुल वीडियो वॉच करना है बिना स्किप किए, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे स्टेप छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करें, ताकि हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके चेक करने के लिए आपको चलना होगा क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद दोस्तों आपको जो है ब्राउजर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप कर देना है kenup.in, ठीक है। यहाँ पर kenup भी आप अगर लिख देंगे, उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने जो है kenup.in की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस पर जो है आपको अब क्लिक करना है। इसी के थ्रू हम जो है अपने गन्ना पर्ची, गन्ना कैलेंडर, यहाँ की गन्ना सर्वे सब कुछ देख सकते हैं। गन्ना का पेमेंट कितना आया है सब कुछ हम इसी वेबसाइट के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए इस पर डायरेक्टली आप क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश भारत सरकार का जो है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो इसे आपको 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप साइट मोड पर कर लेना है, ताकि हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर व्यू हो। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ी से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, किसान भाई अपने आंकड़े देखने के लिए नीचे बटन पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको किसी भी डिटेल को देखने के लिए यहाँ पर ये कैप्चर कोड जो दिया गया है यहाँ पर फिलअप करके व्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये कैप्चर कोड यहाँ पर भरने के बाद यहाँ व्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। और इस तरीके से थोड़ा सा प्रोसेस लेने के बाद हमारे सामने जो है वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर क्लिक करके हम अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती होगी उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री अपने आप ही आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे जो आपकी फैक्ट्री आएगी उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दो तरीके से जो है आप अपना डिटेल देख पाएंगे। अगर आपके पास ग्राम कोड और यहाँ पर जो है कस्टमर कोड है, यहाँ पर इसका ग्रोवर कोड है, तो उसे डाल करके आप जो है यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे सर्च बाय कोड दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो उसे यहाँ पर आप जो है यहाँ पर किसान कोड और यहाँ पर ग्राम कोड डाल करके देख पाएंगे। अगर यहाँ पर आपके पास कोड नहीं है तो आप सिलेक्ट विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सारे डिटेल भर पाएंगे। पर यहाँ पर कोड होने के नाते दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों क्लिक करते ही अब हमारे सामने जो है मैं डायरेक्टली जो है किसान कोड और ग्राम कोड डाल करके इंटर कर लूँगा। फाइनली दोस्तों अब यहाँ देख सकते हैं, हम जब इस पर टिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं विलेज दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको विलेज कोड डालना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ग्रोवर लिखा है और एक बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें आपको जो है किसान कोड डालना है। तो चलिए यहाँ पर ये कोड डाल करके मैं व्यू वाले बटन पर यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर डिटेल भरने के बाद हम व्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद किसान का पूरा प्रोसेस, पूरा यहाँ पर हर एक जानकारी यहाँ पर आ जाता है निकल के। दोस्तों जैसे ग्राम कोड और यहाँ पे किसान कोड डालने के बाद आप इंटर करेंगे तो सारे डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जिनका नाम रहेगा, प्लेस जहाँ पर भी जो है पूरा विवरण है, और यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों हम नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है प्री कैलेंडर का ऑप्शन। तो प्री कैलेंडर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर अगर आपका 21 और 2021 में नया सर्वे हुआ है तो आपका पूरा डिटेल यहाँ से आ जाएगा। यहाँ देखेंगे शीघ्र प्रजाति का है तो आप शीघ्र प्रजाति में देखेंगे, सामान्य प्रजाति का है तो आप इसमें देखेंगे, अनुपयुक्त प्रजाति का है तो आप इसमें देखेंगे। तो ज़्यादातर दोस्तों जो लोग शीघ्र प्रजाति का यहाँ पर बोलते हैं तो यहाँ पर देखें पेड़ी दिखा गया है और यहाँ पर पौधा, तो शरदकालीन पौधा, और यहाँ पर देख सकते पूरा टोटल पेड़ी और यहाँ पर पौधे को मिलाकर के योग जो बना है यहाँ पर ये दर्शाया गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों अपने मोबाइल से घर बैठे आसानी से जो है गन्ना सर्वे का डिटेल इस तरीके से निकाल सकते हैं अपने मोबाइल के भी थ्रू। वहीं लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है जहां पे सर्वे डेटा लिखा गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो है तीनों को, अगर यहां पे कई जगह पर
जैसे कि कई ग्राम में अगर आपका जमीन है दोस्तों, खेत है, और तीनों जगह पर, दो जगह पर आपकी खेती करते हैं, गन्ना बोते हैं, तो तीनों जगह का सर्वे, प्लॉट संख्या वगैरह दिया रहेगा, और यहाँ पे भी आपका पेड़ी और पौधा इस तरीके से दिया रहेगा कितना बना हुआ है, और ये जो है दोस्तों यहाँ पर परिमाप कितना है, लंबा मतलब उत्तर से पूरब, पूरब और पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये यहाँ पर दिया रहेगा, और गन्ना का क्षेत्रफल कितना रहेगा टोटल यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप मोबाइल के थ्रू जो है चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही अगर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें।